नहीं रुक रहा आवारा कुत्तियां दा कहर, वफादार बन रहे हन आदमखोर। आवारा कुत्ते आम लोकां नूं बना रहे हन अपना शिकार। सड़कां उत्ते आवारा गावां अते सानां द्वारा लोकां उत्ते हमले करन आपस विच भीड़ अते सड़क हादसियां दा कारण बनदे होए तां असीं आम ही वेखदे हां, पर दूजे पासे गली मोहल्लिआं विच खुले घुम रहे आवारा कुत्ते भी किसे तों घट नहीं। दरअसल पिछले कुछ समय तो पंजाब विच आवारा कुत्तियां द्वारा लोकां नूं कट्टण नोचण ते मार देण दीआं घटनावां सामने आ रहीआं हन। अते हुण ताज़ा मामला लुधियाणा दे हलका समराला तों सामने आया, जिथे आदमखोर बन चुके आवारा कुत्तियां ने खेतां राहीं अपने घर जा रही 12 साल दी लड़की नूं नोच नोच के मौत दे घाट उतार दित्ता। मृतक लड़की एक प्रवासी मजदूर दी धी सी, जिसका नाम सिमरन सी। सिमरन अपने नानी घर तो खेतां राही अपने घर वापस परत रही सी। उसके नाल उसके दो भरा भी सन, पर वह दोने साइकिल राही आ रहे सन, जिस करके सिमरन पीछे रह गई अते राह विच उसनू कुछ आवारा कुत्तियां ने घेर लिया ते उस उत्ते हमला कर दिता। सिमरन ने अपने आप नूं बचाउण दी कोशिश भी कीती, पर आदमखोर बने कुत्ते सिमरन नूं इस कदर नोच के खा गए कि उसकी मौत ही हो गई। इस पूरी घटना उत्ते सिमरन दी मां ने दस्या कि उन्होंने खेतां विच कुत्तियां नूं लड़ते हुए वेख्या, जिस तों बाद इह इकट्ठे हो के उसे थां गए अते जदों उह उत्थे पहुंचे तां वेख्या कि उन्हां दी बच्ची नूं आवारा कुत्तियां ने अपना शिकार बना लिया। आदमखोर बने कुत्ते लड़की का सिर अते मुंह पूरी तरह नोच के खा चुके सन। इस पूरी घटना उत्ते पिंड वासियां ने कहा कि प्रशासन नूं इन्हां आदमखोर कुत्तियां उत्ते काबू पाउणा चाहीदा है, क्योंकि अक्सर ही लोग सवेरे शाम सैर करन लई निकलदे हन, जिस दौरान इन्हां कुत्तियां ते हमला करन दा खतरा बणिआ रहिंदा है, जिस लई प्रशासन नूं कोई हल कढ़णा जरूर चाहीदा है। कुत्तियां नूं एक वफादार जानवर मन्या जांदा है, पर जदों इह आवारा तरीके नाल गली मोहल्ले ते सड़कां घुम्मण लग जांदे हन अते कुछ खाण पीण नूं ना मिलण करके मरे हुए जानवर नूं ही अपना भोजन बना बैठदे हन, तां उदों इन्हां दे मुँह नूं मास लग जांदा है ते इह उग्र हो जांदे हन, जिस दा नतीजा इह हुंदा है कि कट्टण दी उत्तेजना इन्नी वध जांदी है कि मनुख नूं ही अपना शिकार बनाउण लग जांदे हन। इस एक इंसान होण दे नाते मनुख का भी फर्ज बनता है कि इन्हां खुले घूम रहे कुत्तियां की कदर पाउण अते इन्हां नूं भुखे ना रहण देण, तां जो इह पालतू जानवर तो आदमखोर जानवर ना बणन। क्या हुआ था आपकी बच्ची के साथ? आपके बच्चे के साथ तो मैं दयारी करने चले गया, बच्चा अकेले वो नानी कुल से आता था, उत्थे 6 बजे की पता मैं ही देखिया बच्चे ने कुत्ता उठे लड़ता सी, मैं ही आके दसिया इत्थे उत्थे कुत्ता लड़ता। छोटा मुंडा कहा कि तू मम्मी आया सुमरन ने आया, वो नानी कुल गया आलू चुकन। तो आपको कैसे पता चला? वो उत्थे कुत्ता लड़ता सी तो मैं ही देखिया लड़ते, तो फिर मैं आके दसिया, फिर देखने गया सच्चे वही गल हो गया कुत्ता ने। ए सिर खा ए बाल खा गया सी, गाल खा गया सी, कुरी ने फोर दिया सी। तो हॉस्पिटल लेके गए बच्चे को? नहीं, मेरा तो कैमरा का तो बस वो तो उठे गुजर गया सी कुरी। मैं हां जी पहला एक्स सरपंच हां, ते की मामला होया सी उरे जेड़ा बच्ची नाल होया? एहे प्रवासी मजदूर ने जी, ते अपने सुखदेव सिंह उन्हां दी मोटर ते रहंदे सी, ये अपने आलू चुगण गई सीगी शाम नूं रोटी बनाउण वेले, ਇਹ 5-7 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਖਾ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਤੂ ਸੀ ਜਾਂ ਆਵਾਰਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਸੀਗੇ, ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਆਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਤਰਾ ਆਮ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖਤਰਾ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸੈਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਾਤਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ 2015, 2016 ਜਾਂ 2017 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਆਪਣੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ESS ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ